अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन एट फ्रेश फ्रॉम द ओवन्स। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ईजीएस्ट रेसिपी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मील्स फ्रॉम अ वेरी फेमस फ्रेंचाइज एंड दैट इज़ राइस एंड स्पाइस बोल। आज मैं ये रेसिपी आप लोगों से शेयर जब करूँगी तो यू विल फाइंड इट एज अ पीस ऑफ केक। इतनी इजी और इतने सिंपलेस्ट इंग्रेडिएंट्स है एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके जो फ्रेंचाइज है, फूड फ्रेंचाइज, उससे 100 times बेटर बनने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी का सबसे पहला स्टेप है कि हम चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। सबसे पहले आप लोग चिकन का कट देख लें कि ये मैंने स्ट्रिप्स फॉर्म में लिया है। 2 inch इसकी लेंथ है और 1 inch ऑलमोस्ट इसकी थिकनेस है। स्मॉल स्मॉल से आप स्ट्रिप्स कटवा लें और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें टू गाइड योर बुचर। हॉट सॉस, दही, नमक, लाल मिर्च के फ्लेक्स, चिकन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर और इसके अलावा है ऑयल। सिर्फ यही 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम लोग रेडी करेंगे अपने चिकन की बेहतरीन किस्म की मैरिनेशन। एंड आई एम श्योर ये पांचों इंग्रेडिएंट्स आपके किचन शेल्फ में हर वक्त मौजूद होते हैं। इसमें कोई भी मैं फैंसी चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा अभी मैं इसी कैसे मैरिनेशन रेडी करती हूँ। ये एक पैन में मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर, ये 4 मैंने मसाले लिए, उसमें मैंने ऐड कर दिया 4 tablespoons के बराबर दही और 4 tablespoons के बराबर ही हम इसमें पानी ऐड करें, जितना दही उतना ही पानी, और 4 tablespoons के बराबर ही हॉट सॉस जो कि हम सूप में भी ऐड करते हैं, और 4 tablespoons के बराबर हमने ऐड कर दिया इसमें ऑलिव ऑयल। आप लोग सादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, मेरे पास पड़ा हुआ था। सो ये हमारी जो है चिकन की मैरिनेशन रेडी हो गई है। इसको आप मिक्स करें, देखें कितना ही सिंपल है ये, कितना सिंपल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको रश करना पड़े, आपको कुछ ना मिले। अगर गार्लिक पाउडर घर में नहीं है आप लोग इसमें फ्रेश गार्लिक डालें 1 teaspoon, दैट विल बी फाइन टू। ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद आपने चिकन पे पोर कर देना है और इसको अच्छी तरीके से रब करें ताकि सारे के सारे जो हैं फ्लेवर्स मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 घंटों के लिए आप इसको उसके बाद मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। 2 घंटे कम से कम आपने इसको ज़रूर मैरिनेट करना है, फिर ही आपका चिकन जो है टेंडर और जूसी बनेगा। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें, आपके पास 2 घंटे नहीं है मैरिनेट करने को और आपको जल्दी, आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको फ्राई करना है, तो आप इसमें 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, वो भी मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं। उससे आपका चिकन जो है 30 मिनट्स में रेडी टू फ्राई हो जाएगा। Now let's move towards the second step of the recipe, that is rice. Rice के लिए भी आप लोग देख सकते हैं कितने थोड़े से ingredients हैं। आप लोग इसका screenshot भी लेके रख सकते हैं। भीगे हुए चावल 1 kilo, बासमती राइस 1 tablespoon, जिंजर गार्लिक, नमक काली मिर्च, हरी इलायची और लौंग, चिकन पाउडर, जर्दा रंग और शिमला मिर्च, इसके अलावा तेल और पानी। ये सिर्फ और सिर्फ चंद ingredients हैं जिससे हम अपने बेहतरीन ही मज़ेदार किस्म के फ्लेवरसम राइस रेडी करेंगे। शिमला मिर्च के अंदर से वाइट पार्ट आपने डिस्कार्ड कर देना है और इसके इस तरह से आप लोगों ने जूलियन कट काट लेना है। शिमला मिर्च हमारी रेडी हो गई है, देखिए कितनी ग्रीन और ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। और इस रेसिपी में शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी राइस चाहिए तो आप शिमला मिर्च के साथ इसी स्टेज के ऊपर, जब मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी, आप लोग साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक स्लिट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया ऑलमोस्ट 1/2 cup। ये 1 kilo चावल की रेसिपी, आप लोग इसको बिल्कुल हाफ भी कर सकते हैं। इसमें मैंने साबित 4 इलायचियाँ और 5-6 लौंग ऐड कर दी, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस भी जो हैं वो नहीं जाएंगे। अब मैंने ऐड कर दिया 1 tablespoon के बराबर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और जैसे ही ये फ्रेग्रेंट हो जाए, इसकी खुशबू आने लगे, मसाले हमारे पहले ही कड़कड़ आ गए हैं 30 seconds में, अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। लाइक इट्स अ 1 pot राइस और ये झटपट से हार्डली 15-20 minutes में जो है आपके मज़ेदार किस्म के राइस रेडी हो जाते हैं। हल्का सा मैंने स्प्लैश ऑफ वाटर डाला ताकि जो वो जिंजर गार्लिक है वो बर्न ना हो। अब मैंने इसमें नमक और काली मिर्च भी साथ में ऐड कर दिया, स्टर किया एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ इसको मैंने हार्डली 40 seconds के लिए फ्राई किया है और इतनी कोई प्यारी सी स्टेज पर खुशबू आ रही थी कि आप ना पूछें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी अपने चावल के हिसाब से
पानी ऐड करने के बाद जब इसमें बॉयल आए तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ अ टीस्पून ऑफ येलो फूड कलर। आप एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि फूड कलर की क्वालिटी वेरी करती है, तो माइट बी पॉसिबल आपके वाला बहुत तेज़ हो। आप लोग बेशक पहले 1/4 teaspoon ऐड करें, फिर अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। मुझे अपने फूड कलर का पता है इसलिए मैंने 1 kg राइस के लिए 1/2 teaspoon यूज़ किया था एंड दैट वॉज क्वाइट गुड। कलर वाइज बहुत अच्छा इस पर इसका इफ़ेक्ट आ गया था। सो ये हमने डाल दिए इसमें चावल और अब हम इसको कवर कर देंगे फॉर लाइक 5 minutes। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा आग ऊँची करके इसका पानी हम ड्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें चिकन पाउडर, आपके सामने मैंने पहले नहीं डाला था ये, अब मैंने पानी में घोल के इस पर ऐड कर दिया है एंड यू नो बटर ऑफ कोर्स। मुझे चावल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से डॉलप्स ऑफ बटर भी इसमें ऐड कर दिए और 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर करके दम पे रख दिया। नीचे मैंने इसके तवा रख दिया था, ऊपर से मैंने इसको अच्छी तरह से सील करके बंद कर दिया और ये हमारे राइस जो है वो दम पे चले गए। मीनवाइल हम रेडी करेंगे अपना ड्राई मिक्स फॉर फ्राइंग द चिकन। सबसे पहले एक बोल में आप छान लें 6 cup के बराबर मैदा, इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, साथ ही में हम डाल देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 teaspoon के बराबर, 2 teaspoon बेकिंग पाउडर और साथ में हम डालेंगे इसमें 2 teaspoon के बराबर चिकन पाउडर एंड दैट्स इट। इस दफ़ा मैंने कनौर का स्पाइस मिक्स इसमें ऐड नहीं किया, ये सिंपलेस्ट इंग्रेडिएंट्स है 4, जिससे आपका बेहतरीन किस्म का ड्राई मिक्स रेडी हो जाएगा। सर डोंट डू द हैसल, कुछ भी एक्स्ट्रा बाय ना करें, आराम से आप लोग इन्हीं सिंपल इन्ग्रीडियंट से फ्राइड चिकन बनाएँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतने ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से भी आपका जो रिज़ल्ट है ना वो इतना कमाल आने वाला है कि आप मुझे दुआएँ देंगे। सबसे पहले ड्राई बैटर में मैरिनेटेड स्ट्रिप्स को आपने ऐड करना है, उसको थोड़ा सा अपने उसी तरह से रब करना है। देन इनटू द चिल्ड वाटर, आइस वाटर, तेल मैंने पहले से गर्म करने चढ़ाया हुआ है और वापस से ड्राई बैटर में अच्छी तरह रब करें और सारी के सारी जो हैं आपकी स्ट्रिप्स जो हैं ये कोटेड हैं। आप लोग चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन, देखें आप कितना प्यारा क्रम्प आया इसके ऊपर, ये फर्स्ट कोट में ही रेडी है। ड्रॉप इट इनटू द हॉट ऑयल, तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ठंडे तेल में डाल दिया तो ये क्रम्प जो है ये सेट नहीं होगा। सो आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन किस्म के हमारे चिकन फ्राई हो रहे हैं। आपने इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल भी चमचा नहीं लगाना, हमने इसमें कोई अंडा ऐड नहीं किया, कुछ भी फैंसी ऐड नहीं किया और आप देखें ये कितनी बेहतरीन हमारी स्ट्रिप्स जो है ना वो रेडी हुई हैं। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं और किसी ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं ऑन इट्स ओन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस स्नैक्स यू वुड हैव एवर टेस्टेड, इतने को ये मज़ेदार बने हैं ना। इसी तरह से मैंने सारे के सारे जो हैं वो चिकन के स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया। ये 1 kg राइस के वर्सेस 1 kg ही मैंने चिकन स्ट्रिप्स लिए थे, आप रेसिपी को बिल्कुल हाफ कर सकते हैं और ये 10 लोगों के लिए काफ़ी होगा। 1 kg राइस और 1 kg चिकन स्ट्रिप्स जो हैं ये 10 लोगों को बहुत अच्छा सर्व करेगा। तो आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स अगर 5 से 6 हैं तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल से हाफ कर लें। देखें जी चावल हमारे बिल्कुल से रेडी हैं, चावलों की आप शक्ल देख लें, कितना लॉन्ग ग्रेन राइस है और कितने खिले खिले ये चावल पके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही सुप्रीमली डिलिशियस गाइस। ट्रस्ट मी इनका जो खुशबू और फ्लेवर था ना OMG इररेजिस्टिबली गुड थे ये। और अगर आप लोग एक दफ़ा ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कर लेते हैं ना तो आई कैन बेट आप लोग कभी भी बाहर जाना प्रेफर नहीं करेंगे, स्पेशली ये मील खाने के लिए तो कभी भी नहीं। ख़ुद से बनाएं, घर पे बनाएं, बजट फ्रेंडली अपनी फैमिली को साफ़ सुथरा अच्छा खाना खिलाएं, फैंसी खाना खिलाएं और वो भी अच्छी क्वांटिटी में। सो इसके ऊपर आपको पता है एज़ यूजुअल सिर्फ चिली गार्लिक सॉस कनास्की मैंने यूज़ की है और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस बॉटल में चिली गार्लिक सॉस है और वही मैंने इसके ऊपर ड्रिसल कर दी थी और ये इसका बेस्ट कॉम्बो है। ये मेरे बॉक्सेस रेडी हैं फॉर द ऑर्डर्स, अभी हम अपना बोल भी रेडी करेंगे, जैसे कि हम लोगों को KFC से मिलता है बोल, सेम वही बोल जो है वो अभी हम खुद के लिए भी रेडी करेंगे। सो दिस इज़ द बोल आई टुक बिकॉज वो प्लास्टिक वाला तो बोल मुझे ऑब्वियसली नहीं अवेलेबल था, सो मैंने उसे मिलता जुलता एक ब्लैक कलर का बोल ले लिया, सिरेमिक बोल, और उसमें मैंने निकाल लिया ये अपने खूबसूरत येलो फ्लेवरफुल राइस। इसके ऊपर मैंने अरेंज कर दी अपनी क्रिस्पी स्ट्रिप्स, इतनी मज़े की इतनी जूसी ये स्ट्रिप्स थी कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये कोई ब्रेस्ट पोर्शन का पीस है। ऊपर मैंने इसके उसी तरह से चिली गार्लिक सॉस ड्रिजल कर दी और थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जस्ट अ फ्यू सेसमी सीड्स टोस्टेड और साथ ही मैंने इसमें बारीक से कटा हुआ हरा प्याज जो है उसके पत्ते ग्रीन वो मैंने इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर दिए जस्ट टू गिव इट एन एनचेंटिंग एंड आई कैचिंग लुक।
या आप लोग देख सकते हैं हमारा KFC स्टाइल राइस बोल बिल्कुल रेडी है। ये दो बंदों के लिए बहुत इनफ था और पोर्शन आप देखें मैंने उसमें से कितना साइज में ऐड किया है। सो 10 लोगों के लिए आपके 1 kg राइस और 1 kg चिकन बहुत इनफ होगा। और ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जैसे मैं हमेशा डालती हूँ। आप लोग जैसे चाहें उस रेसिपी को अपनी तरह से 1/4 या हाफ कर सकते हैं। I tasted this chicken strip and guys trust me I couldn't stop myself eating. It was so good. चावल इतने मुलायम इतने मज़ेदार और मैंने पहले सोचा है टू गिव इट 1 thumbs up बट फिर मैंने स्पून हाथ से छोड़ा एंड आई गिव इट अ डबल थम्स अप। ट्रस्ट मी इट वाज सो गुड। सो आई होप यू गाइस लाइक द रेसिपी। इट्स द इजीएस्ट वर्जन ऑफ राइस एंड स्पाइस। डू गिव इट अ ट्राई एंड मेक योर फैमिली एंड किड्स सुपर हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।